पिछले वीडियो में हमने बात की घरेलू नातेदारी की, जिसके लिए आम तौर पर यह राय है कि पति पत्नी के बीच कानूनी रूप से शादी हुई हो। किंतु आप ये जान लीजिए कि प्रीति डे बनाम सुभाषीष डे एवं अन्य में कोलकाता हाई कोर्ट के निर्णय के अनुसार पति पत्नी के बीच वैध शादी होना आवश्यक नहीं है। घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत आप घरेलू नातेदारी में तब से शामिल हो जाएंगी जब से आप पति पत्नी के रूप में साथ में रहे हैं, और इसी क्रम इस मामले में प्रीति और सुभाषीष डे की शादी अवैध घोषित होने के बाद भी प्रीति को गुजारा भत्ता प्राप्त करने का हकदार माना गया। इसी तरह दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी रत्नदीप बनाम सुषमा में सुषमा को पत्नी के सब अधिकार प्रदान किए और घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत धारा 19 में निवास का अधिकार और साझे मकान व गुजारा भत्ता के साथ साथ धारा 20 में प्राप्त अन्य अधिकार भी सुषमा को प्रदान किए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।